हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिता। प्रमिता की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ शकरकंद की सब्जी। शकरकंद की सब्जी कैसे बनाते हैं मैं वो बताऊँगी। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत कम समय में ही बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं शकरकंद की सब्जी। मैंने शकरकंद को बॉयल करके उसका छिलका निकल दिया हूँ। मैं 250 ग्राम शकरकंद लिया हूँ, उसके हिसाब से सारा मसाला लिया हूँ। दो हरी मिर्ची, एक इंच टुकड़ा अदरक का कुटा हुआ और दो टेबलस्पून मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली लेना है और 7 से 8 करी पत्ता। पहले हम शकरकंद को काट देंगे, क्यूब साइज में काटना है। दो स्पून तेल, एक स्पून जीरा, हरी मिर्ची, अदरक, करी पत्ता, भुना हुआ मूंगफली, और उबला हुआ शक्कर। स्वाद अनुसार नमक, वन फोर्थ स्पून हल्दी का पाउडर, वन फोर्थ स्पून चिल्ली का पाउडर, हाफ स्पून गरम मसाला, और 1 स्पून जीरा पाउडर। यह आपको सिम में रखना है। Thank you.
थोड़ा सा पानी इसे हाथ में ही रख देना है। ये बनाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगेगी। अभी इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ता, अब शकरकंद की सब्जी को रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी साइड डिश के हिसाब से खा सकते हैं। शकरकंद की सूखा सब्जी मैं बना रही हूँ। सूखा सब्जी बन गया है, गैस को ऑफ कर देंगे, प्लेट में सर्व करेंगे। ये बन गई है शकरकंद का सूखा सब्जी। आशा करती हूँ आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसको घर पर बनाएगा जरूर, कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। शकरकंद के सूखा सब्जी बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर दे दिया हूँ, आप उसको देखकर बना सकते हैं शकरकंद का सूखा सब्जी। अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरा अगला रेसिपी देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मेरा रेसिपी पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।